2018 के महामस्तकाभिषेक में काफ़ी कलाकारों ने, काफ़ी प्रतिभाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई। उन्हीं प्रतिभाओं में से एक प्रतिभा है जैन भजन गायक, जिसने पूरे देश में अपना नाम कमा रखा है, रुपेश कुमार। वो मेरे साथ हैं और हम जानते हैं कि कैसा उसको लग रहा है। सभी लोगों को पहले तो सादर जय जिनेन्द्र। ये तो हमारी टैगलाइन है महामस्तकाभिषेक की, सौभाग्य आपको बुला रहा है। तो निश्चित मेरा भी सौभाग्य है जो मैं दूसरी बार महामस्तकाभिषेक में यहाँ आ पाया हूँ। पूज्य स्वामी जी ने मुझे पिछली बार भी यहाँ आने का अवसर दिया और इस बार भी आमंत्रण दिया, तो मेरा सौभाग्य है। महामस्तकाभिषेक के लिए एक नया पूरा एल्बम 8 गीतों का मैंने तैयार किया है, तो उसमें से कोई एक लाइन हमें गा के। जी ज़रूर। वैसे तो सारे गीत लोगों की ज़बान पर हैं, लेकिन जो गीत अभी सबके दिलों में आ रहा है, मैं वो ज़बान पे आ रहा है, उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको गा के सुनाता हूँ। श्री बाहुबली का नभन कराने जुड़ गया सारा देश, फिर नीर क्षीर की धाराओं में भीग रहे गोटे, मस्तकाभिषेक हो, वाकई इन लाइनों को सुन के एकदम ऐसा लगता है कि महामस्तकाभिषेक के बाद भी जब भी हम इस लाइनों को सुनेंगे तो हमें ये लगेगा कि हम महामस्तकाभिषेक के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह एक और प्रतिभावान कलाकार हमारे बीच में है, जिसने जो लिखते भी हैं, म्यूजिक भी देते हैं, गाना भी गाते हैं, एंकरिंग भी करते हैं, अभिनय भी करते हैं और स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं। उनका नाम है प्रशांत जैन। तो उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराते हैं। कैसा लग रहा है महामस्तकाभिषेक में अपने कार्यक्रम, अपने प्रोग्राम देख? वाकई में हमारे लिए ज़िंदगी की बहुत बड़ी अविस्मरणीय घड़ी, वो पल जिन्हें हमने सपनों की तरह पर संजोया था, यहाँ आकर ऐसा लगता कि वो हमारे सपने साकार हो रहे हैं। बाहुबली भगवान के चरणों में आकर हमने अपनी वाणी, अपने शब्द, अपने स्वरों को पवित्र किया। ख़ास तौर से भजन संध्या करने का जो मौका मिला है उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। मैंने अपनी रचनाएं लोगों तक पहुँचाई हैं मीडिया के माध्यम से, दर्शकों, श्रोताओं के माध्यम से, और एक विशेष बात ये भी रही है कि जिनवाणी जी का पूजन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, जो 12 वर्षों में एक बार ताड़पत्र जिनवाणी सरस्वती माँ निकलती, उनका मैंने सभी आचार्यों, भट्टाचार्यों, मुनियों, आर्यिकाओं और विद्वज्जनों, प्रतिष्ठाचार्यों के सामने उसका वाचन, संगीतमय गायन किया। मेरे लिए वाकई ये पल बड़े अच्छे हैं और पूरी उम्र मैं इनको याद रखूंगा। अपनी पसंद की कोई रचना का दो लाइन हमें गा। जी हाँ, मैंने भी रूपेश जी की तरह अपनी रचना लिखी और समर्पित की है बाहुबली भगवान के चरणों में इस महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव के लिए। बाहुबली के महामस्तकाभिषेक में हम भी आए हैं, बाहुबली के महामस्तकाभिषेक में हम भी आए हैं, श्रद्धा के कलशों में हम भावों का नीर ले आए हैं, श्रद्धा के कलशों में हम भावों का नीर ले आए हैं, गोमटेश के चरणों में ये शीश झुकाने आए हैं, श्रद्धा के कलशों में हम भावों का नीर ले आए हैं।